नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है। पांच चरण का चुनाव बीत चुका है, ऐसे में छठा चरण आज है और सातवां चरण जो 1 मई का है वो पटना नालंदा में होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार का माहौल क्या देखते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? यहाँ दीजिए। क्या नाम? मनीष कुमार सिंह। क्या करते हैं? हम लोग हैं राजनीति में है। अच्छा, बताइए क्या देख रहे हैं इस बार का लोकसभा का चुनाव? राजनीति जो है जो पहले से था वो सही आज भी है, पक्ष और विपक्ष दोनों है। आप पूछिएगा तब ना। इस बार खास करके पटना की बात करें तो पटना पाटलिपुत्रा और पटना साहिब से कौन जीतने जा रहे हैं? देखिए, कौन जीतने जा रहे हैं ये तो हम लोग नहीं है, अभी वोट पड़ेगा उसके बाद लगेगा। ये आशंका हम लोग एनडीए जीतेगी, एनडीए जीतना है, यूपीए का तो कोई काम धाम है नहीं कि करेंगे ऐसे ही। लेकिन अपोजिशन का आरोप है, खास करके तेजस्वी यादव साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार तो हमने बिहार को टाइट कर दिया, झारखंड को भी टाइट कर दिया, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने। अरे, उनको कहने या न कहने से थोड़ी अंतर होना है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री भी तो कह रहे हैं ना कि अब की बार 400 पार, तो उसी प्रकार वो भी कह रहे हैं। हाँ, कहें, विपक्ष का काम है, विपक्ष वाला बात बोल रहे हैं वो। जितना तो एनडीए को है, इनके पास में कुछ है थोड़ी है। एनडीए गठबंधन है तो इनकी गठबंधन कहाँ दिख रही है बिहार के लोग में? बताइए कहाँ है अरविंद केजरीवाल जो इनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं? कहाँ है अखिलेश यादव? कहाँ है ममता बनर्जी? इनका 21 गठबंधन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल कहाँ जाएगी? दिल्ली जाएगी? इनका तो मेन है पटना से देखना है, बिहार से देखना है, बिहार का राजनीति कर रहे हैं। तो और भी कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या क्या नाम होता है? देवेंद्र शर्मा। क्या देख रहे हैं इस बार का चुनाव, कौन बनेंगे देश के अगला प्रधानमंत्री? देखिए, भाजपा का जो मूल कोर वोटर है ना, वो भाजपा से टूटा हुआ है, चाहे भूमिहार हो, कुशवाहा हो और बनिया हो, यही भाजपा का मुख्य वोटर। और इन लोगों के बीच में प्रत्याशी चयन को लेकर के भारी विरोध है, समझे कि नहीं? तो आप किसके बदौलत जीतने की कोशिश कर रहे हैं? हमको तो नहीं लगता है कि 200 पार करेंगे, क्योंकि आपका मूल वोटर ही टूटा हुआ है। जो आपका कोर वोटर था वही वोटर टूटा हुआ है, भूमिहार। जैसे महाराजगंज में आकाश इनके छोड़ करके भूमिहार दे देगा सिग्रीवाल को, जहानाबाद में चंद्रवंशी को पिछला बार कहे थे कि रिप्लेस कर देंगे और फिर चंद्रवंशी रिपीट कर दिया, तो भूमिहार दे देगा आपको चंद्रवंशी जी को। ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन असल में जो है मूल वोटर जो है जदयू का टूटा हुआ, जदयू बीजेपी का टूट गया है, जो मूल वोटर उसका है। अभी देखिए, मुख्यमंत्री की पार्टी थी और मुख्यमंत्री का कोर वोटर माना जाता है धानुक और कुर्मी, उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ में 50% किया, 10% किया, तो टूटा ना भाई। जहां जोड़ने की बात होती है वहां टूटने की बात हो रही है। किस आधार पर कहते हैं कि हम 400 सीट जीत जाएंगे, किस आधार पर? प्रधानमंत्री इन दिनों बिहार दौरे पे आ रहे हैं, आज भी आए हैं, क्या कुछ देखिए उनके? और एक और बात है, इसमें प्रधानमंत्री 1000 बार आ जाए, लेकिन जो उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है अग्निवीर दे करके, जो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, हैं, उन्होंने अग्निवीर दे करके युवाओं में बहुत आक्रोश है और वह आक्रोश का लाभ जो है सो विपक्ष को मिलेगा। किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? देखिए, सरकार अभी किसी के नहीं बने, ट्रिंगुलर रहेगी सरकार। अब उसे फिर जोड़ तोड़ के जो बना ले भाजपा, त्रिकोणीय होने की संभावना, जोड़ तोड़ करके जो सरकार बने। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, कोई एक थोड़ी कह रहा है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 300 पार, राहुल गांधी भी कह रहे हैं 300 पार, राहुल जी भी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो 400 तो सीट है नहीं। हर दावा, हर पार्टी अपना अपना दावा करता है, जब तक हार नहीं जाता है तब तक हर एक पार्टी कहता है कि हम जीत ही रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हुआ। क्या देखते हैं इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अगला प्रधानमंत्री किसको आप देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी ही बनेगा अगला। हाँ, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग तो कह रहे हैं कि
अब की बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, मोदी जी के नाम पर सब जगह वोट पड़ रहा है और फिर बनेंगे मोदी जी। भले कैंडिडेट कहीं कहीं कमजोर है लेकिन लास्ट में सब मोदी जी के नाम पर वोट दे रहा है। अच्छा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वायदे करके आए थे, क्या लगता है कि सचमुच में धरातल पे पूरा किए हैं? वादा तो पूरा हुआ ना, राम मंदिर बना, 370 धारा जो था वो हटा, मुस्लिम महिला के लिए 3 तलाक वाला था मुद्दा। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की भी बात की थी। 2 करोड़ नहीं लगा है, लेकिन लगा है। महंगाई की भी बात, महंगाई नहीं है, महंगाई कहीं नहीं, महंगाई ना, महंगाई आपसे रुक नहीं सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वायदे करके आए। महंगाई किसी की सरकार हो, कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की, कोई नहीं रोक सकता है। अगला प्रधानमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं, हम लोग तो भाई मोदी जी के देंगे। लेकिन इंडिया एयरलाइंस के लोग कह रहे हैं कि अब की बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं क्योंकि जुमला खाली। ये तो अब 4 के बाद है ना पता चलेगा कि के बनेगा, हमसे लिखवा लीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि बिहार जो दौरे पे इतना बार प्रधानमंत्री आते हैं, इसको आम जनता क्या सोचती है? बिहार दौरे पे बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसको आम जनता किस प्रकार सोचती? आम जनता के लिए तो अच्छी बात है कि बार बार बिहार के दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कम से कम इतना तो है ना कि प्रधानमंत्री के नजर में बिहार है? और कम से कम जनता को तो खुशी होना चाहिए कि कम से कम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं। तो देख सकते हैं सबका अपना अपना मत है, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे। सर क्या नाम हुआ? वेंद्र प्रसाद सिंह। इस बार किसकी सरकार बनते हुए देखते हैं? जो अब जो है ना, महात्मा बुद्ध की धरती है बिहार, यहाँ पर लोग जो है सुनते सबका है और गुनते हैं अपने मन का। जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की बात करे, लोग उसको मन बना लिया है वोट देने का। ये तो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव या फिर कहें राहुल गांधी बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बात नहीं है, बात यहाँ है कि सारे हम लोग करते हैं, हम लोग अपने बाल बच्चा को क्या चाहते हैं, बढ़िया शिक्षा मिले, बढ़िया जॉब मिले। हर माँ बाप अपने बाल बच्चा को यही चाहता है क्या? आप भी नहीं चाहते होंगे? तो सब लोग चाहता है, यहाँ जाति पाति पार्टी की बात नहीं है, यहाँ बात है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, बढ़िया जॉब पकड़ ले और फिर उसका जनरेशन भी उसी ढंग से चलते रहे। और कई पीढ़ियों से डेवलप करना है तो आपको जॉब चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बार जो है जॉब की सरकार आने वाली है, जो जॉब की? देखिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता इकबाल अहमद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लोकसभा का महाकुंभ शुरू हो चुका है, ऐसे में आज 6ठा चरण है और 7वां चरण बस बचा है, ऐसे में बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपको पब्लिक लाइव में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू धन्यवाद। पब्लिक लाइव कैसे हैं? ठीक है, ईश्वर की कृपा है और अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर आप लोगों को भी अच्छा रखे और आपके चैनल के माध्यम से जो पॉजिटिव चीज है, जो अच्छा चीज है, उस बिहार के जनता के बीच उसको पहुंचाया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में बुलाने के लिए। कह रहे हैं सर कि 6 चरण का चुनाव, आज 6ठा चरण है, 6ठा चरण चुनाव समथिंग 5 बजे 6 बजे के आसपास में संपन्न हो जाएगा, कैसा फीडबैक मिल रहा है आप लोग को? देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आज 6ठा चरण का चुनाव आरंभ है, शुरू है और 5वां चरण कंप्लीट हो चुका है, देश में प्रदेश में कंप्लीट हो चुका है। और जो माइंडेड बिहार के एवं देश की जनता ने जो दिया है वो प्रशंसा योग्य है। और जो कार्य एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में बिहार एवं बिहार के वासियों के लिए किया है, वो आज तक आजादी के बाद शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा जो इतना काम किया होगा। अगर विकास से पन्नों पे ऐतिहासिक कार्य जो बिहार के सरजमी पे धरती पे हुआ है, जो पहला नाम आएगा वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का आएगा और उनके कार्यकाल को, उनके काम को और
देखते हुए और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लेवल में बढ़ाने के लिए देश की जनता प्रदेश की जनता इस बार वोट कास्ट कर रही है। आप तो नीतीश जी की पार्टी से हैं तो नीतीश जी का गुणगान गाना आपको जायज है, लेकिन तेजस्वी यादव साफ शब्दों में कहते हैं कि नौकरी तो हमने दिया है, नीतीश जी ने कहां दिया है, यदि एक थके हुए मुख्यमंत्री को हमने दौड़ाने का काम किया है। क्या देखिए तेजस्वी जी वो क्या बोलते हैं उनका मामला है, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का राइट है, ना लोकतंत्र बोलने का राइट है, लेकिन तेजस्वी जी को भूलना नहीं चाहिए जब उनके बाबूजी कार्यकाल में 15 साल रहे तो नौकरी कहाँ था, और जो लोग नौकरी में थे टीवी सेंटर से लेके कहाँ कहाँ बहाली हुआ, उन लोगों को लालू यादव ने जो 8 साल 10 साल काम किया उसको निकाल बाहर करने का कार्य किया, जो आज तक बेकार लोग है। लेकिन ये मुख्यमंत्री महोदय जब से मुख्यमंत्री महोदय के साथ आए, मुख्यमंत्री खुद एक कंस्ट्रक्टिव माइंडेड आदमी है, उन्होंने डिपार्टमेंट का हर विभाग का मॉनिटरिंग करते हुए देखा कि बिहार में क्या क्या पोजीशन है, जहां पर 5 आदमी चाहिए वहां 2 आदमी है, जहां पर 4 आदमी चाहिए वहां 1 आदमी है। तो उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ और पढ़े लिखे हैं, बहुत ही अपने अच्छे IQ का इस्तेमाल करते हुए बिहार एवं बिहारवासियों के हित में जो एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया, जॉब देने का जो इतना बड़ा कार्य किया, हिम्मत दिखाया, साहस दिखाया, ये इसके लिए मैं बधाई देता हूं। सिर्फ जॉब की बात, एक मिनट, जॉब की बात आप कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि 17 साल में क्यों नहीं नौकरी दिया गया, हम जब सरकार में आए इनके साथ आए, एक थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किया है। नहीं, ये बेबुनियाद बात है, और नीतीश कुमार के पास जो एनर्जी है, जो विल पावर उनका है, ये काबिल तारीफ है, हर जनता बिहार की जनता की दुआ है, आशीर्वाद है, वो थके हुए नहीं है बल्कि एक अच्छे मुख्यमंत्री है, समझदार है, सूझबूझ पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है कि हमको कैसे कार्य करना है, और जॉब जो होता है जॉब उनको मालूम था कि ऐसे भी वो बहुत सारी चीज किए हैं जो जॉब से रिलेटेड है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अवसर निकाला जॉब करने का, जो माननीय मुख्यमंत्री का प्रशंसा योग कार्य था, इसमें कोई क्रेडिट नहीं है किसी का, जो बोले ठीक है, बोलना राइट है, हर आदमी बोलता है, और लोकतंत्र में हर पार्टी के हर नेता को बोलने का राइट है, हर लोग को बोलने का राइट है, लेकिन बेबुनियाद बात बोलना तेजस्वी यादव को सूट करता होगा, देश प्रदेश की जनता को सूट नहीं करता है। क्या देख रहे हैं इस बार का लोकसभा का 40 सीट है बिहार में, पिछली बार आप लोग 39 सीट लाए हैं, अपोजिशन का आरोप है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, अब 40 की 40 सीटें कैसे जनता दे? आप लोग देखिए ये तो जनता के हाथ में है, जनता इसका डिसीजन लेगी, जनता फैसला। एक और तेजस्वी का बयान है कि बीजेपी बिहार से हाफ और देश से साफ, ये तो समय बताएगा आने वाला समय कि बिहार से कौन हाफ और साफ हो रहा है, लेकिन जो सिचुएशन है, जो आज के डेट में जो प्रदेश एवं देश की जनता का माइंड है, वो चूंकि ये चुनाव प्रदेश की चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की चुनाव है, देश एक मजबूत हाथ में है, देश की तरक्की उन्नति और प्रगति ये किसके हाथ में होनी चाहिए, देश को जनता को अच्छी तरह मालूम है, और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो अलायंस है, जोड़ी है, ये प्रदेश एवं देश की जनता को बहुत पसंद है, बहुत अच्छी तरह पसंद है। माननीय प्रधानमंत्री का आज आगमन भी है, आज प्रचार भी है, बीच में जो रोड शो किए, इससे बिहार की जनता ही नहीं, बिहार के हर लोगों को एक एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला, जो बहुत ही प्रशंसा योग्य रहा। मैं एडवांस में बधाई देता हूं प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, लाजवाब एक्सीलेंट, बिहार की जनता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है, जो काबिले तारीफ होगा। आप बिहार में आए, प्रधानमंत्री को सराहने का काम कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन का लोग का साफ शब्दों में कहना है कि बिहार में सिर्फ आम लोगों को तंग करने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं, एक तो बिहार को न विशेष पैकेज दिए, न पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए। देखिए बिहार को विशेष पैकेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला अधीन है, समझाना है, लेकिन जो मेन मुद्दा है देश की और प्रदेश की जनता के लिए, वो मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और ये चुनाव असेंबली चुनाव नहीं है, MP का है, तो MP चुनाव में हमें देखना है कि यहाँ हर तरह के पार्टी अलायंस करके इंडिया बना के ये बंदरबाट का नतीजा होगा, हम जनता को मालूम है, जनता जान रही है बात को, इसीलिए जनता मूर्ख, हमारे देश प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है, जनता को पता है कि हमारा जो वोट है, हमारा जो कीमती वोट है, वो देश हित में होना चाहिए, देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कोई नहीं है, क्या पार्टी है, ना लोग है, ना हम है, ना आप है, इसीलिए इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है, आज जो इलेक्शन हो रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है, और देश को वर्ल्ड लेवल में एक और ऊंचा मुकाम देते हुए एक पर्सनैलिटी, एक प्लेटफॉर्म दिलाना है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री सक्षम है, बहुत सक्षम है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कार्य किए हैं, जो इनका मोटो है, एम्बिशन है, जो ड्रीम्स है,
उनको ड्रीम को फुलफिल करते हैं और उनको आगे मजबूत करना है। एक और इस चलते चलते सवाल रहेगा आपसे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री जब मंच पे जाते हैं और बयान देते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया एयरलाइंस की सरकार, खास करके कांग्रेस की सरकार आती है, तो महिलाओं का मंगलसूत्र बेच देगी, ये कहां तक के प्रधानमंत्री के मुख से शोभा देता है? देखिए, ये तो एक अलग चीज है कि महिलाओं का मंगल को ऐसा चीज होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं, लेकिन ये सब जो है बस सुना निकाल दिया, इसे बात मुद्दा इशू नहीं है। असल इशू है देश, असल मुद्दा है देश, क्योंकि हमको अपना देश देखना है, अपना भारत देखना है, अपना इंडिया देखना है, हमारा देश जो है मजबूत रहे, मजबूत हाथों में रहे, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और हैं। हर भारतीय की सुरक्षा चाहिए, हर भारतीय को न्याय चाहिए, हर भारतीय को मान सम्मान के साथ जीवन पालने का रास्ता चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सक्षम हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हम सारे लोग, टीम के सभी लोग, हम लोग एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और मैं अहद करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से समाज के हर लोगों को कि इस बार जो चुनाव होगा ऐतिहासिक होगा, और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश हित में, देशवासियों के हित में। अच्छा, एक और सवाल आपसे रहेगा लास्ट में चलते चलते कि नीतीश कुमार का इन दिनों खास करके जो फिटनेस है उन पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहे हैं, कहीं 4 लाख बोल देते हैं, कहीं 4,000 बोल देते हैं, क्या? देखिए, होता ही प्रधानमंत्री के जो रोड शो होता है उसमें कमल का फूल लेके चलते हैं। देखिए, होता क्या है, कमल की फूल तो खैर अलग बात है, साथ में लाइन से रोड शो में चल रहे हैं, तो तीर के भी तो लेके चल सकते थे, कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि चूंकि एक कॉम्बिनेशन है अलायंस हम लोग का, अलायंस में जब प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तो वहां पे रहना ही है, उनको तो ऑनर देना ही है, रिगार्ड देना ही है, तो ये कोई इशू नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, हम प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो दिल से जो ऑनर दिया माननीय प्रधानमंत्री का, जो वेलकम किया, ये बहुत प्रदेश की जनता को पसंद आया। प्रदेश की जनता सीट जीतने जा रहे हैं इस प्रदेश में और बिहार में। देखिए, ये सत्य है, ये सरकार एनडीए की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और नरेंद्र मोदी बिहार, बिहार में जो हमारा टारगेट है 40 में, मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा, मेजोरिटी हमारे साथ है, और मैं उम्मीद करता हूं जो फीडबैक हमारा बिहार से मिल रहा है, बिहारवासियों से मिल रहा है, तो चूंकि एक कहावत है कि मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, तो मेजोरिटी एनडीए के साथ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं एनडीए हम लोग सारे लोग, अब बहुत अच्छा सीट दे रहे हैं देश के लिए, देश हित में और देशवासियों के हित में। 400 पार, ये एक अलग मामला है, जुमला जी, ये सिर्फ जुमला नहीं, नहीं, एक मामला है कि ये बात सत है कि मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, और हम लोगों को इंडिया लेवल में जो मिलने जा रहा है सरकार, 200 नहीं 400% एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये हमारे साथ थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता, इनका साफ साफ शब्दों में कहना था कि इस बार जो खास करके इंडिया अलायंस के लोग जो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि इस बार जो खास करके तेजस्वी यादव साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार बिहार में आप और देश से साफ ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, इनका साफ साफ शब्दों में दावा ये है कि इस बार एनडीए यहां से 40 सीट जीतने जा रही है, जबकि प्रदेश की बात, देश की बात करें तो 400 सीटें जीतने जा रही है। हालांकि इनका साफ शब्दों में कहना है कि प्रधानमंत्री अगर देश में, खास करके बिहार में आते हैं तो ये तो स्वागत योग्य है, और हम अपील भी करेंगे प्रधानमंत्री से कि बार बार बिहार में और खास करके पटना में आते रहें। लेकिन इनका ये भी कहना है कि इस बार एनडीए की सरकार बनना तय है, 400% गारंटी, कोई कहता है 100%, कोई कहते हैं 200%, कोई 300, ये 400% की गारंटी कहें, 400% गारंटी रखें। बिल्कुल सही, चार जून को आपसे मिले, 4 जून को मिलिए, मोस्ट वेलकम, हम रेडी हैं, आपके सामने रहेंगे, बैठेंगे, मुझे गर्व है, मैं सीना तान के सर उठा के हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, तो ये मिठाई भी खिलाएंगे, इनका बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस में। हालांकि इंडिया अलायंस के लोग भी कॉन्फिडेंस में इस बार दिख रहे हैं, अब तो देखना दिलचस्प होगा जब 4 जून को नतीजा आएंगे और देश के जो गद्दी पे अगला प्रधानमंत्री किसको चुनने जा रही है देश की जनता। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर रहेगा खबरों का सिलसिला जारी। धन्यवाद, नमस्कार।